हेलो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है हमारी बुलेट के लिए, क्योंकि भाई आज मैं अपनी बुलेट में भाई इसका हैंडल चेंज करने वाला हूँ। ये वाला अभी इसमें भाई स्टॉक हैंडल लग रखा है, जिसकी भाई अगर आप पोजीशन देखते हो तो ये वाली है। बट हम इसमें भाई हैंडल चेंज करवाने के बाद RD 350 वाला हैंडल लगवाएंगे, क्योंकि भाई जो बुलेट लवर्स है उनको तो पता है कि RD 350 वाला हैंडल कौन सा होता है। बट लेकिन भाई मैं अपनी बुलेट में जो रिबन क्लासिक है इसमें लगवाने वाला हूँ, जो कि भाई मैं लगवा रहा हूँ सेक्टर 21 चंडीगढ़ से। तो देखते हैं उसको भी कैसा रिस्पॉन्स है, क्या प्राइसिंग है, फिट एंड फिनिश कैसी है, और भाई इसको डायरेक्ट फिट हो जाता है या कुछ इसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो भाई सारी डिटेल आपको अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, फटाफट वीडियो शुरू करते, पूरी डिटेल देखने की वीडियो तक बने रही है। तो भाई सेक्टर 26 से निकल के हम आ गए सेक्टर 21 में, और ये वाला रहा भाई हमारा RD 350 का हैंडल, जो कि भाई मैंने पहले भी एक दो दुकान पे पता करा, जिसमें कि ना देखो साइड वाला जो थ्रेड है ना इसे बार एंड के लिए, वो वाला था नहीं, बट ये वाला मैं खरीद के लेके आया हूँ। जो प्राइसिंग है ना सारी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। और ये भाई हमारे भाजी कैसे भाई? बढ़िया भाई जी, बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि इसको फिट करने में कितना टाइम लगता है? आधा पौना घंटा। चलो, और जो मैंने ना सुना है कि इसकी तारों में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो भी हो जाएगी? वो एडजस्ट करना पड़ता है, छोटी पड़ जाएगी तारे, वो एडजस्ट करना पड़ता है। नवी तो नहीं डालनी पड़ेगी? नहीं डालनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कर दो, और फिर देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो अभी भाई इस वाले को खोलेंगे पहले, फिर देखते हैं इसमें। भाई ये जो मैं हैंडल लेके आया ना, ये सिल्वन वाला है, देख लो। ये वाला भाई मेरे को पड़ा है 350 रुपीज़ का, और जो भाई इसकी लेबर चार्जेज है तो वेरी करती हैं, बट यहाँ पर मेरे लग रहे हैं 150 रुपीज़, जो कि भाई ठीक ही है यार, क्योंकि तो अपना भाई शौक है बुलेट का, तो इतना तो अपना बनता है। बाकी भाई जो इसकी हैंडल की क्वालिटी है ना, वो वैसे मेरे को ठीक लग रही है। बाकी भाई नो डाउट इस पर रस्ट जरूर से लगेगा, जिसके लिए भाई हम निकल पाउडर भी अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि जो अपना जो प्रॉपर वाला होता है ना, जैसे जो स्टॉक वाला है, उसकी क्वालिटी जो है वो कोई भी बीट नहीं कर सकता, उसमें जंग नहीं लगता, बट इस वाले में पक्का लगेगा, वो मेरे को पता है। अभी जो है हैंडल को खोलने का काम स्टार्ट कर दिया है, जिसे मैं आपको बता दूँ, एक तो 12 नंबर के ये वाले 4 नट खोलेंगे, 2 इधर हैं और 2 नीचे हैं, साइड के इसके 12 एंड खोलेंगे, और ये जो सारी फिटिंग है ये खुल के निकलेंगे, उसके बाद वो हैंडल अपना फिट हो जाएगा। तो भाई एक और मैं इसका हैंडल खुलने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो है भाई खुलने के बाद हैंडल जो अपनी बुलेट कैसी लगेगी विदाउट हैंडल के। ये देखो जो हमारा स्टॉक वाला हैंडल था, ये इसके सारी फिटिंग्स के साथ जो है निकल चुका है, और ये देखो भाई जो हमारी बुलेट है वो बिना हैंडल के कैसी लग रही है, सारी फिटिंग्स इसकी जो है भाई, ये एक्सेलरेटर ब्रेक्स वगैरह सारा कुछ ये इधर नीचे ऐसे लटका हुआ है। और भाई अभी ना इसमें एक चैलेंज हो रहा था, दो आए थे एक्चुअली, एक तो जो इसके भाई ये वाले ग्रूव्स है ना जो इसमें यहाँ पर फिट होते हैं, वो ओरिजिनल वाले में तो है बहुत ज़्यादा बढ़िया, जो कि भाई इसको अच्छे तरीके से होल्ड करते हैं, बट जो हमारा RD 350 वाला हैंडल ना, वो मैं अभी एक और हैंडल मैंने किसी काम के लिए भेजा है, ये देखो आ गया, तो दिखाइए एक बार। अच्छा ठीक है, ये देखो ये वाले ना थोड़े से अलग है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉपर इसी ग्रिप आती है कि नहीं आती। और दूसरी बात ये है कि इसके जो साइड्स वाले जो बार एंड के थ्रेड है ना, जो ओरिजिनल वाले में वो तो हैं 10 नंबर के, और जो हमारा ये वाला हैंडल है इसमें है ये मेरे ख्याल से 13 नंबर के हैं, 12 या 13 नंबर के। उसके लिए भाई मेरे को नट भी अलग से मंगाने पड़े, और इसके जो बार एंड्स हैं ये भी अलग से मंगाने पड़े। हैंडल अपना आ चुका है, सारी फिटिंग्स भी आ गई, ये वाले बार एंड जो है पुरानी क्लासिक में आते थे स्टैंडर्ड में, क्योंकि भाई जो इसके वाले बार एंड है ना वो इस नट के साथ फिट नहीं हो रहे, जो इसके साथ जो बार एंड आते हैं फिर उनमें छेद करवाना पड़ेगा ड्रिल मशीन से, जो कि भाई ख़राब हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो स्टॉक में फिट नहीं हो पाएंगे, इसलिए भाई उसके बार एंड मैंने उसी के साथ छोड़ दिए, ओरिजिनल वाले हैं। इसके लिए मैं भाई अलग से मंगवा लिया, वैसे तो जेन्युइन पार्ट्स ही है, बाकी अभी भाई इसका प्रोसेस चल रहा है हैंडल फिट होने का। लूज करना पड़ेगा थोड़ा शायद, बाकी भाई कोई भी अगर आप नया काम फैंसी काम शौक वाला काम करते हो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आते ही हैं, चैलेंजेस से ही भाई हमें सीखने को भी मिलता है कि भाई कौन सा काम किस तरीके से होगा। ये छड़ दे मैंने पकड़ लिया। तो भाई ये हमारी भाई इसमें हर हर महादेव वाली प्लेट भी आ रही है, तो भाई अपना ये वाला हैंडल है ना थोड़ी सी मशक्कत के बाद फिट हो चुका है, मतलब अभी नीचे इसका काम चल रहा है। तो अब इसमें भाई मेन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात होगी वो जो है इसकी तारों की एडजस्टमेंट की, वो सबसे ज़्यादा मेन है, उसके लिए भाई एक्साइटेड हूँ मैं। और भाई हैंडल जो है ना लगता बहुत प्यारा है ये वाला, अभी इसकी वो करनी है हाइट एडजस्टमेंट करनी है कि कितना इसको ऊपर नीचे हमें रखना है।
वो देख लेते हैं। तो भाई लोग मस्त तरीके से काम चल रहा है अपना। और इस वाली पाइप में भाई हमको हैंडल में एक एडजस्टमेंट करानी पड़ी, बोली जो आप अगर इसके ना नीचे यहाँ पे कहीं होल दिख रहा है, देखिए ये वाला होल हमें बस और करवाना पड़ा दोनों तरफ। बाकी उसके अलावा ये जो हैंडल है ना, ये मैंने देख लिया भाई, बिल्कुल जैसे क्या कहते हैं प्लग एंड प्ले वाला हिसाब किताब है। इसकी जो ये जो थिकनेस है ना, वो सेम ही है जो अपने स्टॉक वाले हैंडल की थी, तो इसमें हमें कोई भी इसमें एडजस्ट यहाँ पे नहीं करनी पड़ी। तो मस्त हो गए वाला एकदम। बस अभी इसकी फिटिंग्स जो ऐसी फिट हो जाती, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो भाई फाइनल अपनी जो है बुलेट में क्लासिक 350 में RD 350 वाला हैंडल जो है कम्प्लीटली फिट हो चुका है। बहुत सारी भाई इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। हम निकले थे घर से करीबन 11 बजे के आसपास, और अभी मैं टाइम दिखाऊँ ना आपको, अभी देखना 3 बजने वाले हैं। वैसे तो अपन सोच रहे थे कि आधा 15 घंटा मैक्सिमम, एक या डेढ़ घंटा लग जाएगा, बट भाई इसमें इतनी दिक्कतें आई। सबसे पहले तो भाई जो इसकी रेस की तार है वो एडजस्ट करने में नहीं आ रही थी। उसके बाद भाई जो हैंडल है, इसको कसने के बाद ये हैंडल जो है ना ऐसे मतलब ऊपर नीचे हो रहा था, वो बड़ी मुश्किल से सेट करा। वो कैसे करा है, यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको दिखे, पता नहीं दिखेगा शायद, ये देखो यहाँ पे ना ये हल्का सा पतला सा कागज़ दिख रहा है, इसके बीच में हमें सैंड पेपर लगाना पड़ा। उसके बाद भाई ये नट ना टाइट हुए, और इसमें एक छोटा सा नुकसान ये हो गया कि यहाँ पे ये वाला नट जरूर से टूट गया, एक इधर वाला सही है, इधर वाला ही टूट गया। बाकी उसकी इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन भाई इसकी लुक बड़ी प्यारी आ रही है, कम्फर्टेबल बहुत ज़्यादा हो गई है ये। ठीक है, आप देख सकते हो भाई मेरी हालत क्या हो गई, पसीना कितना ज़्यादा आ गया, गर्मी भाई थी बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी परेशानियाँ भी हो रही थी। बाकी भाई बहुत ज़्यादा मस्त हुआ। और मैं आपको प्राइसिंग बता दूँ, तो भाई ये जो हैंडल हमें पड़ा है 350 का पड़ा है, 200 रुपये इसकी इंस्टॉलेशन। जो मैंने आपको पहले 150 बताई थी, वो टाइम ज़्यादा लग गया था तो उसमें एडजस्ट होगी। और जो इसके बार एंड थे ना, वो स्टॉक वाले नहीं लग पाए, तो हमने जो पुरानी स्टैंडर्ड और क्लासिक बनते थे वो वाले लगवाए हैं। नट इसका जो है इसके साथ ही आया है। और तो क्या, और इसमें हम यहाँ पे हमने इसमें छेद करें जो मैंने आपको बताया था, बस इतना ही कुछ हुआ है। बाकी इसकी फिटिंग वगैरह में थोड़े से वहाँ पे सैंड पेपर लगाना पड़ा, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है भाई। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बुलेट को चलाने में। तो भाई ये वाली वीडियो को कैसे लगी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो इसको जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर बटन दबा के। मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।